प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नए आवेदन ऑलरेडी इस समय हो रहे हैं, तो आप ऑनलाइन नया आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं इस समय स्टेप बाय स्टेप, तो वही जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ एक डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड के साथ मोबाइल फ़ोन नंबर लिंक होने चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए और तीसरा डॉक्यूमेंट है आपके खेत की जमाबंदी की नकल आपके पास होनी चाहिए। ये तीनों ही डॉक्यूमेंट अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप बड़े ही आसानी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑनलाइन आवेदन करके आप इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि इस योजना में आवेदन बड़े ही आसानी से किस प्रकार से किया जा सकता है। इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा इस पोर्टल का, आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसका यूआरएल आप देख सकते हैं, pmkisan.gov.in पे आएंगे, फिर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, रूरल लेंगे या फिर अर्बन लेंगे। रूरल ग्रामीण के लिए, अर्बन शहरी क्षेत्र के लिए होता है, तो जो भी ऑप्शन है तो वो आप ले लेंगे। फिर आप आधार कार्ड नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे, आधार कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद आप अपने एक्टिव मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे, एक्टिव मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे दर्ज करने के बाद आपका स्टेट कौन सा है उसका चयन जस्ट नीचे यहाँ पे कर लेना है। स्टेट का चयन करने के बाद ये कैप्सा कोड होते हैं जिसे आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे, जिस प्रकार से लिखे हुए हैं ऐसे के ऐसे कैप्सा कोड यहाँ पे दर्ज करने हैं। फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, जो मोबाइल फ़ोन नंबर अभी आपने दिए उसके ऊपर एक ओटीपी मिलेंगे, वो यहाँ पे डालेंगे, फिर ये कैप्सा कोड वापस यहाँ पे डालेंगे, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल फ़ोन नंबर हैं उसके ऊपर एक और ओटीपी नंबर भेजे जाएंगे, वह ओटीपी नंबर आप जस्ट यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। वह ओटीपी नंबर यहाँ पे दर्ज करने के बाद एक बार फिर से कैप्सा डाल देंगे, जो भी आप देख सकते हैं ये यहाँ पे डाल देंगे। कैप्सा डालने के बाद वेरीफाई आधार ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेना है, आपका जिला कौन सा है, यहाँ से आप अपना जिला लेंगे, फिर सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो ले लेंगे आप यहाँ पे। उसके बाद आपको अपना ब्लॉक लेना है, तो ये सब डिस्ट्रिक्ट ले लिया, फिर आप ब्लॉक ले लेंगे, उसके बाद अंत में विलेज ले लेंगे। तो यहाँ पे ब्लॉक ले लिया, यहाँ पे आपको अपना विलेज ले लेना है, आपका गांव कौन सा लगता है। उसके बाद आपका नाम ऑलरेडी आधार कार्ड से अपने आप ले लेगा और यहाँ पे फार्मर पर्सनल डिटेल के अंदर दिखाई देगा, जेंडर भी दिखाई देगा। आपको अपनी कैटेगरी लेनी है, जनरल या फिर STSC। फिर आपकी ज़मीन कितनी है, 2 हेक्टेयर तक है तो ये, 2 हेक्टेयर से अधिक है तो आपको सेकेंड वाला ऑप्शन लेना है। यहाँ पे सभी डिटेल आ जाएगी, इसके अंदर आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। मोबाइल फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पिन कोड आ जाएंगे, फादर्स नेम आ जाएगा। आपको यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है, तो यहाँ पे कहीं पे लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी डाली जाती है, कहीं पे खाता संख्या डाले जाते हैं जो कि ज़मीन के होते हैं, वो आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे अनिवार्य रूप से राशन कार्ड संख्या डालनी है, तो यहाँ पे आप अपने परिवार की राशन कार्ड संख्या दर्ज कर लेंगे। उसके बाद आपको मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पे यस लेना है, अगर नहीं करना तो नो आप ले लेंगे। उसके बाद आपका जो ज़मीन का खाता है वो किस प्रकार का है, जॉइंट है या फिर सिंगल है, यानी कि एक ही नाम है तो सिंगल हो गया, अगर जमाबंदी के अंदर एक से अधिक नाम है तो जॉइंट हो गया, जॉइंट पे क्लिक किया, अगर जॉइंट है तो सिंगल है तो सिंगल, फिर ऐड पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से खाता संख्या ऐड करने की जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। ज़मीन की डिटेल ऐड करने की, तो सबसे पहले यहाँ पर सर्वे नंबर या फिर खाता संख्या डालेंगे, फिर यहाँ पे खसरा संख्या या फिर जिसे डेग नंबर कहा जाता है वो डालेंगे। एक से अधिक अगर खसरा संख्या है तो कॉमा लगा के वो सभी खसरा संख्या डाल देंगे जो कि इस खाते के अंदर जो शुरुआत में आपने डाला उसके अंदर अवेलेबल हैं। उसके बाद ये डालने के बाद अगले वाले भाग के अंदर आपको हेक्टेयर के अंदर अपनी कुल ज़मीन यहाँ पर दर्ज कर लेनी है कि कुल कितनी ज़मीन है। उसके बाद ये ज़मीन आपके नाम पर 2019 से पहले हुई है तो ये वाला लेना है। अगर 2019 के बाद आपके नाम पे ये ज़मीन ट्रांसफ़र हुई है किसी भी प्रोसेस के थ्रू तो सेकंड वाला लेना है, आफ्टर वाला, तो ये 2019 वाले दोनों ऑप्शन का ध्यान रखना है। उसके बाद ये ज़मीन आपके पास किस प्रकार से आई है, तो विरासतन आ सकती हैं, डेथ ऑफ फादर आ सकती हैं, कोई गिफ्ट किया है, खरीद किया है, अलॉट हुआ है, तो वो आप ले लेंगे। तो यहाँ पे डेथ ऑफ फादर लेंगे तो फादर के आधार कार्ड नंबर डालने होंगे, अगर विरासत मिली है तो विरासत ले लेंगे। अब कौन से दिनांक को आपके नाम पे हुई है वो दिनांक यहाँ पे डाल देनी है कि इस दिनांक को हुई है, फिर पट्टा वगैरह है तो वो यस करके डिटेल डालेंगे, वरना फिर नहीं डालनी है। फिर यहाँ पे 200 KB से कम साइज के अंदर लैंड रिकॉर्ड यानी कि ज़मीन की जमाबंदी की नकल आप यहाँ पर अपलोड करेंगे जो कि आपकी है। उससे पहले आपको जमाबंदी नकल अपलोड करने से पहले जो ज़मीन की डिटेल है उसे ऐड पे क्लिक करके ऐड कर लेना है। ये ऐड होके ऊपर दिखाई देगी, आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से ये ऐड होने के बाद दिखाई देती हैं।
गलत ऐड होने पर डिलीट कर सकते हैं। एक से अधिक ज़मीन है तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके वापस ऐड पे क्लिक करेंगे, वो भी यहाँ पे आ जाएगी। इस प्रकार से एक एक करके सभी ज़मीन ऐड कर लेंगे, आपकी जो भी खेत की ज़मीन है। उसके बाद सभी खेत की ज़मीन की जमाबंदी नकल की एक PDF फाइल जो कि 200 KB से कम होनी चाहिए वो यहाँ पे स्कैन करके बना के आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ये PDF फाइल है, ओपन पे क्लिक किया, हो गई। फिर सेव पे क्लिक करना है, लेकिन सेव पे क्लिक करने से पहले आपको एक बार इसकी प्रिंटआउट निकाल देनी है, क्योंकि सेव करने के बाद प्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसकी प्रिंटआउट आप एक बार निकाल लेंगे। प्रिंटआउट निकालने के बाद फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। ये प्रिंटआउट निकल चुकी है, तो अब मैं इसको करता हूँ सेव। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा मेरा आवेदन सबमिट हो जाएगा, और आवेदन सबमिट होते ही यहाँ पे फार्मर ID मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आवेदन सबमिट हो चुका है और अब मुझे इस योजना का बेनिफिट जैसे ही मेरा फॉर्म अप्रूव होगा तो मुझे मिलने लग जाएगा। तो उसके बाद आपको स्टेटस देखते रहना होगा कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ। तो स्टेटस किस प्रकार से देखा जाता है, अप्रूव होने पे क्या बताता है, अप्रूव होने के बाद भी अलग अलग स्टेटस देखना होता है, पैसे आए या फिर नहीं, तो उसका वीडियो इसी वीडियो के नीचे लिंक अवेलेबल है, उस वीडियो को आपको आवश्यक रूप से देखना चाहिए। तो बाय बाय दोस्तों। ये तरीका था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का नया आवेदन करने का। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करना है, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।